कि मसाला जो हमने ये मोटा सा मोटा मोटा पीस है वो डाल दिया इसमें। ये तमाम मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये जो गोश्त है वो सिर्फ डूब जाए। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो गोश्त गल जाएगा, पानी जो है वो ड्राई नहीं होगा, तो जो हमें जो मिक्सचर चाहिए वो बिल्कुल ड्राई चाहिए, तो फिर ये बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, शामी कबाब नहीं बनेंगे। तो हम इसमें बस इतना ही पानी डालेंगे कि ये हमारा जो गोश्त है वो उसमें उसको कवर कर ले पानी, बस इतना ही हमें डालना। अब एक अलग पतीली में जो दाल है उसमें हम इसको इतना पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका पूरा पानी सूख जाए। तो हम इसमें इतना ही पानी डाल रहे हैं, अब इसको हम अलग से बॉईल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने जो मसाला पीसा था वो बचा लिया, वो इसमें डाल दिया और अब हम इसको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेंगे और इसका पूरा पानी सुखा लेंगे। इसको गोश्त के साथ पकाते हैं बहुत सारे लोग, मैं इसको अलग से बनाती हूँ क्योंकि मैं गोश्त को कुकर में बना रही हूँ। कुकर में क्या होता है कि दाल चिपक जाती है नीचे और जल जाता है सब कुछ, तो मैं ये पसंद करती हूँ कि मैं अलग से इसको बॉईल कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं गोश्त और चने की दाल को मिक्स करती हूँ। बहुत अच्छा रहता है, इससे भी आपकी मर्ज़ी, आप दोनों को साथ भी पका लें और इतना बनाएं कि गोश्त और ये चने की दाल बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और पानी इसका बिल्कुल खुश्क ना हो, एक कप के जितना पानी रह जाए, और फिर आप इसको पीसते हुए आसानी होगी। फिर आपको गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है और ये जितने भी और हमारी दाल भी गल गई है, जो साबुत हमारे गरम मसाला बे लीफ और सिनेमन स्टिक हमने डाली थी वो हमने निकाल दिए, और ये मैं इसको फेंक दूंगी। और अब हम दाल और गोश्त को मिक्स करते हैं। दाल और गोश्त को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, अब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी जब, तो हम इसे फूड प्रोसेसर या अपने जिस तरह से भी इसको पीसना चाहें पीसेंगे बिल्कुल बारीक, और जब ये ठंडा हो जाएगा मैं इसको पीस लूँगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ फिर क्या करना है।
ठीक है।